मैंने वो दिन भी देखा जब आपको बरगलाने के लिए आज राम मंदिर लिया जा रहा है। आओ राम मंदिर के दर्शन करो। क्या राम इनके बाप का है? राम तो हर एक का है, याद रखिएगा। राम विष्णु का राम है, राम हिंदू का राम नहीं है सर। आप पुस्तक पढ़िए अपनी, पढ़ा तो कुछ नहीं है। राम 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 राम। जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम कविंदर गुप्ता इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की बात करते हैं तो उन्होंने एक ऐसी विशेष टिप्पणी की है राम मंदिर को लेकर, तो उसी पर बातचीत करने के लिए मौजूद है। किस तरह से देखते हैं कविंदर जी, एक बड़ी स्टेटमेंट जो है वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है वो राम मंदिर को लेकर देते हुए नजर आए हैं, किस तरह से? देखिए, इस प्रकार के लोगों का हमेशा से सनातन विरोधी और हिंदू विरोधी रहे हैं। राम हमारे आदर्श हैं, इस देश के आदर्श हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के रूप में भी थी तो लोगों को एक लगता था कि हमलावरों ने आकर के राम मंदिर को तोड़ा, बाबरी मस्जिद बनाई। बाबरी समर्थक होने के कारण से स्वाभाविक बात है कि ये तो हिंदुत्व के खिलाफ बात करेंगे ही, और दूसरा आम जनमानस जो हिंदुस्तान का है, जो हिंदुत्व है, जो सनातन है, वो चाहता था कि राम मंदिर, रामलला जो 528 सालों से वहाँ पर टेंट में रह रहे थे, उनके मंदिर का पुनः निर्माण हो। अदालत के फैसले के साथ ये काम हुआ, लेकिन शायद इनको पच नहीं रहा है। तो देश का आम जनमानस जब भारतीय जनता पार्टी की इस कारगर्दगी पर पूरा खुश है तो ये विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, हमने काम किया है उसी आधार पर लोग जुड़े हैं, वो इनको तकलीफ हो रही है। रविंद्र जी किस तरह से देखते हैं? वो कहते हैं कि राम जो है वो सिर्फ भाजपा के नहीं हैं और राम जो है वो विश्व के हैं। देखिए, आपको किसने मना किया कि राम के गुण ना गाओ? लेकिन आप विरोध करेंगे तो कोई सहन थोड़ी करेगा। आप हमलावरों को जो यहाँ पर आए थे, हमारे मंदिर तोड़े, आप तो उनका समर्थन करते रहे हैं। बात करो राम की, लोग आपके भी समर्थन करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? एक तरफ हम देख रहे हैं कि गुपकार अलायंस जो था वो अब कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नज़र आया है, जिसमें आज महबूबा मुफ्ती भी कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और आज सुबह वहीं पर उमर अब्दुल्ला ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने वक्तव्य रखे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ऐसा जो इनमें अभी डिस्कस हो रहा है सीट शेयरिंग को लेकर, किस तरह की परिस्थितियाँ बनती हुई नज़र आ रही है विपक्षी के में? देखिए, INDI गठबंधन हो या गुपकार डिक्लेरेशन हो, ये सभी मौका प्रस्ती के आधार पर इकट्ठे होते हैं। महत्वाकांक्षी हैं, स्वार्थी हैं। तभी देश ने जब इनको नकारा तो ये खाली जम्मू कश्मीर में नहीं, पूरी भारत में देखें तो अलग अलग तरह से अपने अस्तित्व की जो लड़ाई लड़ रहे थे। तो स्वार्थी होने के कारण से ना तो इनका कोई गठबंधन बन पा रहा है। पूरे देश में लगभग 38 पार्टियाँ कितनी कहते थे इकट्ठी हुई है, लेकिन आज वो कहाँ हैं? दो तीन पार्टियों को छोड़ करके जो एक दूसरे के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाहती है, जिनका अस्तित्व कोई नहीं है, जिनको जो लगातार लोगों ने जिनको नकारा है, ख़त्म होते जा रहे हैं, वही बचे हैं। तो आने वाले समय में मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ जनता इनका समर्थन करेगी, क्योंकि ये परिवारवाद, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, इस सभी का समर्थन करते रहे। एक तरफ राजौरी अनंतनाग सीट के लेकर बात करते हैं, उसको लेकर भाजपा कितनी तैयार है, क्योंकि जिसको लेकर अभी भी लगातार बैक टू बैक मैराथन जो है वो चल रही है उस सीट को लेकर, आप कैसे देखते हैं? देखिए, स्वाभाविक बात है, हम एक राजनीतिक पार्टी हैं, लोगों के हितों के लिए हमने काम किया है। यहाँ के जो 70-75 सालों में पिछड़े लोग थे, चाहे वो पहाड़ी थे, चाहे गुजर बकरवाल थे, या कश्मीर में जिस प्रकार के हालात थे, हमने शांति व्यवस्था कायम की है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि भारतीय जनता पार्टी को एक समर्थन मिले। 2009 के इलेक्शन में हमारा केवल 3 सीटों पर 5,000 वोट था, आज स्वयं प्रेरणा के साथ जो ऑनलाइन मेंबरशिप होती है, 5.5 लाख से ज़्यादा हमारी मेंबरशिप है। तो स्वाभाविक बात है, कश्मीर में अपना खाता खोलेंगे और जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर के फॉर्मर डिप्टी सीएम इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने साफ बात रखी है। वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी कुमार के साथ अनिल शर्मा की रिपोर्ट।